आप में से काफ़ी सारे लोग जिन्होंने अभी नया नया YouTube चैनल बनाया है, उनके माइंड में CTR को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। YouTube चैनल बनाने के अभी एक दो महीने होते नहीं है कि आप ये सुनने लगते हैं कि भैया CTR ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ये CTR होता क्या है, कितने तरह का होता है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, अगर ये बढ़ जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि आपका गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, या अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट वॉच जरूर से कीजिएगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि CTR होता क्या है। अभी अगर आप YouTube में सर्च करते हो कि व्हाट इज CTR, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और वहां पर आपको तरह तरह की चीजें बताते हैं लोग, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं जिससे आपको समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ आप इतना जान पाते हो कि भैया CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, बस। इसलिए यार मैंने सोचा है कि आपको सीक्वेंस में बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ ले जाऊंगा, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद में। अभी बात करते हैं ये कितने तरह का होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही तरह का CTR जानते हैं कि भैया CTR होता है YouTube में कुछ, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उनसे पूछ लो कि भैया कितने तरह का होता है, तो शायद इसके बारे में उन्हें नहीं पता होगा। CTR होता है दो तरह का, पहला हो गया आपका YouTube का CTR, दूसरा हो जाता है आपका गूगल एडसेंस का CTR। कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं एक दो दिन बाद वीडियो बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे CTR कितने तरह का होता है। मैंने आपको बताया CTR दो तरह का होता है, पहला हो गया आपका यूट्यूब वीडियोज का CTR और दूसरा हो गया आपके गूगल एडसेंस का CTR। अब बात करते हैं किस CTR के बढ़ने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, किस CTR के बढ़ने से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कौन सा बढ़ना चाहिए कौन सा नहीं बढ़ना चाहिए, किसके बढ़ने से गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल एडसेंस के CTR के बारे में। आपने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सारी वीडियोस अपलोड करके रखी है और मान लेते हैं कि गूगल एडसेंस की तरफ से एक दिन में आपके यूट्यूब चैनल पर 100 एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 इंप्रेशंस आपके सारी वीडियोस को मिलाकर 100 इंप्रेशंस आपके गूगल एडसेंस की तरफ से आपकी वीडियोस पर आते हैं और उनमें से 10 इंप्रेशंस पर यूजर क्लिक करता है। तो यहाँ पर जो आपका CTR होगा वो 10% हो जाएगा, उस दिन का जो CTR होगा वो आपका हो जाएगा 10%, क्योंकि जितने भी एड्स आपकी YouTube वीडियोस पर आए हैं, एड्स को हम कहते हैं इंप्रेशन, और जितने भी इंप्रेशन आपके YouTube वीडियोस पर दिखाए गए हैं उनमें से 10 इंप्रेशन पर ही क्लिक हुआ है। यूजर ने सिर्फ 10 इंप्रेशन पे क्लिक किया है, चाहे वो बैनर एड हो चाहे वो कोई सा भी एड हो। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो गूगल एडसेंस का CTR है ये किसी एक वीडियो से रिलेटेड नहीं होता है, ये आपके चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड है, जितनी भी वीडियोस पब्लिक हैं, उन सारी वीडियोस का ये कंप्लीट एक दिन का CTR होता है, जो कि आप चेक करते हो। आप एक मंथ का भी चेक कर सकते हो, आप एक दिन का भी चेक कर सकते हो, वहां पर आपको मैनुअली ऑप्शन मिल जाता है चेक करने के लिए। अब बात करते हैं YouTube के CTR के बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि CTR भैया दो तरह का होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। पहले ही मैंने बता दिया CTR होता है दो तरह का, पहला गूगल एडसेंस वाला और दूसरा हो गया आपके यूट्यूब वाला। अभी यूट्यूब वाले के बारे में बात करते हैं। पहले जब गूगल एडसेंस की बात हो रही थी तो वहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था एडवर्टीजमेंट, और ये जो एडवर्टीजमेंट है उसको वहां पर इंप्रेशंस कहा जाता था। अभी यहां पर हम यूट्यूब के टर्म की बात कर रहे हैं, तो यूट्यूब में इंप्रेशंस क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जब भी आप कोई वीडियोस अपलोड करते हो तो YouTube क्या करता है, उसको सजेस्टेड में भेजता है, ब्राउज फीचर में डालता है, बहुत सारी जगह पर वो इंप्रेशंस देता है। जो भी यूजर आपकी वीडियो को वॉच कर रहा है उनके सामने आपकी वीडियो का एक इंप्रेशन आता है, कह सकते हो आप एक फर्स्ट लुक आता है, जिसको देखकर यूजर उस पर क्लिक करता है। और जितने भी यूजर आपके इंप्रेशन को देखकर क्लिक करते हैं उसके बिहाफ पे जो रेशियो निकाला जाता है उसको हम कहते हैं यूट्यूब का CTR, जो कि आप पर्टिकुलर एक वीडियो का भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन सा CTR जो है हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है और कौन सा CTR हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यार आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ये जो गूगल एडसेंस वाला CTR है, इसके बारे में पहले भी आपने सुना होगा कि गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है CTR ज्यादा होने की वजह से। अभी बात करते हैं यूट्यूब के CTR के बारे में कि भैया यूट्यूब का CTR अगर ज्यादा हो गया तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भैया जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए, ये आप समझ रहे होगे। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप इस चीज को समझ रहे होगे, अगर नहीं भी हो तो भी समझ रहे होगे, क्योंकि जितने भी क्लिक्स होते हैं आपके यूट्यूब वीडियोस पर उन्हीं के रेशियो में CTR होता है। तो फिर जितने ज्यादा क्लिक्स होंगे उतने ज्यादा व्यूज आएंगे, उतना ज्यादा वॉच टाइम आएगा, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे। तो जितना CTR आपका YouTube का हाई होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। अगर आपका CTR 10% से नीचे है
एक पर्टिकुलर वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी वीडियो का CTR आपके 10% से नीचे है तो फिर यार वो वीडियो माना जाता है कि भैया वो वीडियो उतना अच्छा नहीं था बाकी वीडियो के कंपैरिजन में। अगर हम बात करते हैं गूगल एडसेंस के CTR के बारे में, तो वहाँ पर अगर आपका CTR 10% से ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप YouTube पर एक चैनल बनाते हो, एक नए क्रिएटर रहते हो, उस टाइम में YouTube इस चीज़ को नहीं चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लो। जी हाँ, YouTube इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहता है। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये YouTube की टेंडेंसी है। ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई नया क्रिएटर आता है और उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और कोई सी वीडियो वायरल हो जाती है बहुत तेज़ी से, उस पर क्लिक्स आने लगते हैं, तो वहाँ पर जो CTR होता है आपके गूगल एडसेंस का वो हाई हो जाता है और फटाक से आपका जो एडसेंस है उसको YouTube डिसेबल कर देता है। वो नहीं चाहता है कि कोई नया क्रिएटर आकर और इतना ज़्यादा पैसा कमा ले, ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो CTR है वो कंट्रोल में रहे और आपका जो एडसेंस है वो बचा रहे, तो आप थोड़ी सी सावधानी रख सकते हो। जब भी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होता है और वहाँ पर तेज़ी से आपका CTR जब बढ़ता है, तो कुछ सारी वीडियोज़ होती हैं जो कि वायरल होती हैं, जिन पर बहुत सारे क्लिक्स आ रहे होते हैं। आप क्या करिए, उन वीडियोस का मोनेटाइजेशन बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। जब भी आपका CTR मेंटेन हो जाए 10% के आसपास, तब आप उसका दोबारा से मोनेटाइजेशन ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मेरे को ऐसा लगता है ये वीडियो देखने के बाद में आपके माइंड में CTR को लेकर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। मुझे नहीं लग रहा है आप कोई क्वेश्चन होगा, इतना अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी भी अगर लग रहा है भाई थोड़ा सा डाउट आपको, तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जाके कमेंट करो आपकी जो भी प्रॉब्लम है CTR से रिलेटेड या फिर एडसेंस से रिलेटेड। अगर मेरे को पता होगा उसके बारे में तो मैं ज़रूर से आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा, या अगर कोई नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड लेकर आऊँगा तो आपको वहाँ पर बता दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर आप नए हो और ऐसी वीडियोज़ आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक न्यू टेक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me.